अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारीफ दो। आज का खाना फिर जो है रिवायतों का अमीन है, यानी कि एशियन घरानों में और खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत मशहूर है। वो है तरी वाला चिकन पटेटो का सालन। और चिकन पटेटो तरी वाला जबरदस्त बनता है। बुजुर्ग हजरात तो बहुत पसंद करते थे जब तरी ऊपर नजर आती थी। आइए चल के बनाते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, मेरे साथ चलें, हम चल के बनाते हैं तरी वाला चिकन पटेटो का सालन। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के धर्म शरीफ पढ़ के हमारा तरी वाला आलू चिकन या चिकन आलू। और इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज की प्याज एक होल चिकन के लिए एक प्याली तेल में फ्राई करने को रख दी थी, ताकि फटाफट आपको रेसिपी बता के फारिग करें और आप अपने दूसरे काम कर लें। यहाँ पे प्याज को हल्का गुलाबी हम करेंगे। बहुत सारी जगह हम प्याज को नहीं करते हैं। जैसे मैंने बैंगन गोश में कहा था कि थोड़ी प्याज कच्ची रहने दें, क्योंकि बीफ है, बीफ के साथ काफ़ी देर तक पकता है चिकन के साथ, चूँकि कुकिंग प्रोसेस बहुत शॉर्ट है। तो प्याज हम अच्छी खासी गुलाबी करते हैं। यहाँ पे प्याज को गुलाबी करने के बाद हम शामिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे एक होल चिकन है, आ गया हमारा होल चिकन। एक मुर्गी जो है बड़े कट में आलू गोश्त के साथ या आलू चिकन के साथ, बड़ी बड़ी चिकन भी अच्छी लगती है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे एक टेबल स्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एक टेबल स्पून भर के जीरा, जो बहुत ही मज़ा देगा आलू चिकन में, तरी वाले में। यहाँ पे मिक्स गर्म मसाले जिसमें लौंग, काली मिर्ची, इलायची, बड़ी इलायची, और इसके अलावा हम शामिल करेंगे सॉल्ट एक टेबल स्पून एक होल चिकन के लिए। यहाँ पे एक टी स्पून हम शामिल करेंगे हल्दी, और दिल लगा के इसकी करेंगे भुनाई। ये चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से भुना, कलर चेंज किया, और अब प्याज को गलाना है मुझे। प्याज को गलाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे हद से ज़रूरत पानी, और इतना ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ इतना पानी शामिल करेंगे कि हम जो चिकन की अच्छी ग्रेवी को निकाल सकें, अंदर से सूप इसका निकाल सकें, और आलुओं को डालने के लिए भी हमें जो है पानी की ज़रूरत होगी, वो हम बाद में शामिल करेंगे। फिलहाल हम प्याज को चिकन को गला रहे हैं, लगा देंगे इसको ढक्कन और मज़े से इसको गला लेंगे। 15 मिनट्स के लिए मैंने अपने चिकन को अच्छी तरह से गलाने के रख लिया। इतना कोई शानदार इसका शोरबा बनाया है, और यकीन माने मैंने ये भी सिखाया है आपको कि बीच बीच में चम्मच चला रहे करें। मैंने चम्मच चलाता रहा तो मुझे फील आई कि प्याज हमारी बिल्कुल जो है वो मक्खन की तरह गल गई, और हमारा चिकन भी गल गया है तकरीबन। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे इस स्टेज पे, यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए थे, यहाँ पे वो शामिल कर देंगे। शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें जो अपना जायका इसमें ट्रांसफ़र करेंगी। यहाँ पे मेरे पास एक टी स्पून पिसा गर्म मसाला है, बहुत ज़रूरी पिसा गर्म मसाला। और यहाँ पे एक टी स्पून ही मैं धनिया पाउडर शामिल कर रहा हूँ। यहाँ एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एक टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च, और इसको करेंगे अब हम, यहाँ से इसकी भुनाई शुरू हो जाएगी ताकि मसाले भी अच्छी तरह से रच बस जाएँ हमारे चिकन। यहाँ देखें भून भून के हल्का सा पानी का छींटा दिया था भुनाई के लिए, और बाकी जो है मैंने इसको इतना यकरस कर दिया है, यकजान कर दिया टमाटरों को, कि मेरी चिकन और गल भी गई है, तकरीबन गल गई है। थोड़ी सी कसर है जो आलूओं के साथ निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन चार छोटी साइज़ के आलू, अगर आपके पास बड़े हैं और हस्ब ज़रूरत जितने भी आलू आप लेना चाहते हैं तरी वाले चिकन के लिए। और कितनी कोई शानदार तरी भी बाहर आ गई है, और मुझे तो वो बुज़ुर्गों का ज़माना याद आ गया है जहाँ पे कोई भी आलू गोश या चिकन का सालन या फिर आलू चिकन जो है वो तरी के साथ, और तरी को बाकायदा इतनी लजीज होती थी कि पिया जाता था जब हेल्थ इश्यूज इतने सारे नहीं थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मगर आज भी कुछ फैमिलीज में जब तक तरी ऊपर ना हो खाने को पसंद नहीं किया जाता। यहाँ पे मैं इसे लगाऊंगा ढक्कन और गलाने के लिए रखूँगा। चले आलू भी मेरे, क्या खुशबू, और क्या जो रिवायती तरी वाले सालन का यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। हमने तो आज के दौर को देखते हुए तरी को थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है, मगर कहते हैं कि डेढ़ इंच जब तक तरी ना हो वो सालन सालन नहीं कहलाता था। खैर
पुराने लोगों की पुरानी बातें यहाँ पे खूबसूरती और इसको मज़ीद मसालेदार और बहुत ही खुशबूदार बनाने के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल किया है। आप प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऊपर भी छिड़क दिया करें, यकीनन ये आलू चिकन की तरी वाले आलू चिकन की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और देगी नुमा बिल्कुल ऐसा लगता है बावर्ची से बनाया हुआ देगी सालन है। यहाँ पे इस तरी वाले सालन को हम आपको प्रेजेंट तो कर देंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट करना कभी नहीं भूलता, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और आ जाएं जल्दी से आपको प्रेजेंट करते हैं तरी वाला आलू चिकन।